वेलकम टू adobeeasy.com। मैं हूँ याह्या अली, एक इजी ट्यूटोरियल के साथ जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग बहुत आसान है, एलिप्स टूल को यूज़ करते हुए हम कंप्लीट ड्राइंग बनाएंगे। मैं हम बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप साथ साथ या ट्यूटोरियल देखने के बाद इसको ड्रॉ करें। चलें शुरू करते हैं आज की ड्राइंग। ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे। क्लिक होल्ड करने पर आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आएगा। यहाँ से आप एलिप्स टूल को सेलेक्ट करें। बिफोर स्टार्ट ड्राइंग मैं अपने फिल कलर को नन करूँगा ताकि हमें सोर्स ड्राइंग जो कि पीछे रखी हुई है नज़र आए। अगर हम फिल कलर के साथ उसको ड्रॉ करेंगे तो जाहिर है हमें वो नज़र नहीं आएगी। ये बॉक्स रेड लाइन के साथ जो है कलर को नन करने के लिए होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दो बॉक्सेस हैं आपके पास, एक फिल है और एक स्ट्रोक। मैं इसको नन करूँगा और अपने स्ट्रोक को रेड कर दूंगा ताकि जब हम ड्रॉ करें तो हमें वाज़े नज़र आए। तो मैं यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी लाइन का कलर या स्ट्रोक का कलर रेड हो जाए। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे कीबोर्ड की शिफ्ट की होल्ड करके ताकि एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो। और अगर आप स्पेस बार की होल्ड करें तो सर्कल को मूव करा सकेंगे। ध्यान रहे अभी मैंने माउस क्लिक रिलीज नहीं किया है, होल्ड किया हुआ है। फेस मैं दो एलिप्स को मर्ज करके बनाऊंगा, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, जो कि हम पाथ फाइंडर की मदद से दोनों को मर्ज करेंगे। अब हम पाथ फाइंडर का पैनल ओपन करेंगे, विंडोज एंड पाथ फाइंडर। हम पाथ फाइंडर की मदद से इन दोनों शेप्स को मर्ज कर देंगे ताकि हमारा फेस का शेप कंप्लीट हो जाए। पहले मैंने सिलेक्शन करी दोनों शेप्स की एंड देन मर्ज। आप देख सकते हैं कि इसने दोनों शेप्स को मर्ज कर दिया। एलिप्स टूल हम सेलेक्ट करेंगे और एयर ड्रॉ करेंगे, पहले इसका आउटर पार्ट एंड देन इनर पार्ट। मैं सर्कल स्पेस बार की होल्ड करके मूव कर रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं एंड देन दैट्स इट। आप चाहें तो इनकी कॉपीज भी ले सकते हैं एयर्स की, लेकिन फ़िलहाल मैं दोनों ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि मैं स्पेस बार की किस तरह यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं आइज़ ड्रॉ करूँगा, शिफ्ट की मैंने होल्ड करी हुई है ताकि एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो और मैं इसको पोजीशन कर रहा हूँ स्पेस बार की होल्ड करके। अब आईलिड्स ड्रॉ करेंगे एंड देन सेकंड आई की आईलिड, दैट्स इट। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे अपनी राइनो की बॉडी, एक परफेक्ट सर्कल, अगेन स्पेस बार होल्ड किया, पोजीशन किया एंड दैट्स इट। या हम नोज ड्रॉ करेंगे, पहले एक ओवल शेप एंड देन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट, परफेक्ट। या ओके, अब मैं इसकी एक रिफ्लेक्टेड कॉपी लूंगा, उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक कॉपी आ गई जो कि रिफ्लेक्टेड है वर्टिकली। अब मैं इसको पोजीशन कर दूंगा, अगेन एलिप्स टूल लेंगे और अब एक फुट ड्रॉ करेंगे। फिलहाल मैं इसकी साइड्स मैच कर रहा हूँ, दैट्स इट। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैं इस सर्कल को मॉडिफाई कर दूंगा। फर्स्ट नीचे से एंकर पॉइंट मैंने एडजस्ट किया एंड देन ऊपर से, ओके ग्रेट, बिल्कुल इसी तरह हम नेल्स ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंकर पॉइंट एडजस्टमेंट, एलिप्स टूल की शॉर्टकट की एल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ए। फिलहाल मैंने ए प्रेस किया
एंड देन एंकर पॉइंट्स एडजस्ट कर दिए, एल प्रेस किया, एलिप्स टूल से सर्कल ड्रॉ किया एंड देन अगेन ए प्रेस करके, यप दैट्स इट, हमारे नेल्स डन। अब हम इस लेग की एक रिफ्लेक्टेड कॉपी लेंगे जैसे हमने नोज के लिए थी। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी एंड देन पोजिशन, दैट्स इट। और इस तरह से हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है एक्सेप्ट कलर्स। मैं इसको सेलेक्ट करके ट्रैक करता हूँ साइड पे ताकि आप देख सकें। अब हम यूज़ करेंगे आई ड्रॉपर टूल इसमें कलर फिल करने के लिए, जो कि यहाँ पर है और इसकी शॉर्टकट की आई है। अगर मैं क्लिक करूँगा किसी भी कलर में, आप देख सकते हैं यहाँ इसने ग्रे कलर पिक कर लिया, ये कलर पिक करता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा मैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंड कलर पिक। इस तरह हम इस राइनो पे कलर पिक करेंगे। फिलहाल इसकी अरेंजमेंट सही नहीं है, मैं राइट क्लिक करूँगा, अरेंज, सेंड टू बैक। अब हम सेलेक्ट करेंगे एयर्स को, आई ड्रॉपर से मैं कलर फिल करूँगा, सेलेक्ट ग्रे, सेलेक्ट ग्रे। आप चाहें तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके भी कलर कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा, आई प्रेस करूंगा आई ड्रॉपर टूल के लिए एंड क्लिक। इस तरह मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे भी कलर कर सकता हूं। अब हम अपनी ड्राइंग की स्ट्रोक्स का कलर चेंज करेंगे, लाइंस का कलर ब्लैक करेंगे। पहले मैं सिलेक्शन करूंगा इन सब की एंड देन मेक श्योर कि आपने यहाँ पर स्ट्रोक बॉक्स ही सेलेक्ट किया हुआ है एंड देन क्लिक ऑन ब्लैक कलर। स्ट्रोक इस पर अप्लाई हो गए हैं लेकिन काफ़ी थिन है, तो हम स्ट्रोक की थिकनेस बढ़ाएंगे, जो कि आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। That's it, six हम इसकी रख लेते हैं स्ट्रोक की थिकनेस। अब हम ईयर्स को सेलेक्ट करेंगे इस पर वाइट कलर करने के लिए एंड आइज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उस पर भी वाइट कलर है। इवन जितने भी वाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं हम उन सबको सेलेक्ट कर लेते ताकि एक साथ उन पर हम वाइट कलर कर सकें। स्ट्रोक में ब्लैक, देन मैंने फेल सेलेक्ट किया वाइट एंड देन स्ट्रोक को बढ़ाया 6, दैट्स इट। आप देख सकते हैं कि एयर्स की अरेंजमेंट भी ठीक नहीं है। मैं एयर्स को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। अब मैं ब्लैक शेप जितने भी हैं उनको सेलेक्ट करूँगा एंड देन बैक, या फिलहाल इनमें एक रेड स्ट्रोक आ गया है तो मैं रेड स्ट्रोक को सेलेक्ट करके नन कर दूंगा एंड आईलिड्स से भी मैं स्ट्रोक को नन कर दूंगा। अब हम इसका एक दांत ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल टूल से, देन एक स्क्वायर ड्रॉ करके ए प्रेस किया मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए, कॉर्नर्स एडजस्ट करके, दैट्स इट। मैं इसको पोजीशन कर दूंगा और इस पर कलर फिल करेंगे या फिर मैं पिक करा सकता हूँ कलर, आई प्रेस करके मैंने क्लिक किया आई पर एंड देन सेम कलर इस पर फिल हो गया। दैट्स इट, ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है लेस देन इन 10 मिनट्स। अगर आपको कुछ सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, आप ट्यूटोरियल की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। होप यू एंजॉय द ट्यूटोरियल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं हूँ याहिया अली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग adobeeasy.com।